गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हर रोज की तरह फिर से सुबह सुबह जा रही हूँ आयुष्मान को स्कूल छोड़ने। अभी मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है, बोल रहा वीडियो बनाने का समय नहीं है, चलो चलो जा रहे स्कूल। हाँ क्या बोल रहा है? समय है अभी बहुत है, तुझे ऐसा लग रहा ना? नहीं है, पर मेरे लिए बहुत है। जितना टाइम मिले उसी टाइम में मैं अपना काम कर दूँगी। हमेशा चिढ़ते रहते हैं कि मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। चलो आ जाओ, इतने ही टाइम में हो गया ना सब कुछ? हो गया ना? अरे अब टाइम है, देख जा रहे सब लोग। बच्ची रेडी हो चुकी है, जा रही है अपने काम पे। बाय बाय मेरा बच्चा। छतरी लिया ना? ध्यान से जाओ, जल्दी आओ, ठीक है? क्या? ध्यान से जाओ, जल्दी आओ। बारिश होने भी लगी। जैसे मेरे बच्चे कहीं बाहर निकलते हैं ना, भगवान जी से, पता नहीं क्या भगवान जी को दुश्मनी है मेरे बच्चों से, फट से बारिश करने लगते हैं। और ये अभी तक लाइट नहीं चालू किया वॉचमैन ने। अंधेरे अंधेरे में कैसे जाएगी मेरी बच्ची? फोन करती हूँ, रुक जा उसको। बाय बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज एक जगह जाना है हम लोगों को, इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। बेबी शावर में जाना है तो मैं रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ? मैं आपको फुल लुक इसका मिरर में दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फुल लुक। कैसा लग रहा है? मिरर में बहुत डल लग रहा है, ऐसे सामने से तो अच्छा लग रहा है। आप लोग ज़रूर मुझे बताना। घर पर कोई भी नहीं, मैं और आयुष्मान है, बस हम लोगों को जाना है। लवली आने वाली वहीं पर आएगी डायरेक्ट, और डाली गई है जॉब पर, और अजय आने वाले नहीं है। उनको मैंने दो तीन बार बोला तो बोल रहे मैं नहीं आ पाऊँगा। पर योगिता ने बोला है भैया को ज़रूर लेके आना। अभी मैं क्या करूँ, पर फिर भी अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी मुझे फटाफट निकलना है, मैं ज़रूर आएंगे। अभी फटाफट हम लोगों को निकलना है। मैं और आयुष्मान जा रहे हैं, क्या गिफ्ट लूँ वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जाते हैं नीचे, देखते कुछ गिफ्ट लेते हैं। बोलो। क्या डॉली दीदी ने मुझे क्या दिया है? क्या पता डॉली ने कुछ गिफ्ट भेजा है मुझे, दिया है मुझे डॉली ने। अभी इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, कैसे खुलेगा। ये है हमारे पास अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो हम लोग इसको देखते हैं क्या है इसमें। इसमें क्या है? जस्ट किड्स। रुको दिखाओ दिखाओ दिखाओ, खोलने दो। क्या है ये? लिपस्टिक है लग रहा है, नहीं पता लग रहा है कुछ और है, लिपस्टिक नहीं है ये, जस्ट हर्ब्स लिपस्टिक। लिपस्टिक ही इतना बढ़िया इसका पैकेजिंग है, वाव। और इसका सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। इसको भी खोलना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, इसमें तो बहुत सारे लिपस्टिक है, चिंटू चिंटू से लिपस्टिक्स। ओह माय गॉड। तो ये है इसमें प्यारे प्यारे लिपस्टिक्स। और इसमें कितने हैं? शायद 12 है। कह रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत ज़्यादा है। 13 14 15 16 को दिखा देती दिखा देती हूँ। 16 प्लस है ये, इसमें इतने सारे लिपस्टिक्स ही हैं। चिंटू चिंटू से है ऐसे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका वापस एक हम 16 शेड्स हैं। वाह बहुत अच्छा है। और ये है डॉली की तरफ से गिफ्ट, बहुत प्यारा है। थैंक यू डॉली, मेरा प्यारा बच्चा। और ये है मेरा पर्स जो डॉली का ही है। मैंने पिंक साड़ी पहनी है तो पिंक लेके जाऊंगी। डॉली सब पर्स वगैरह खरीदती रहती है और मैं यूज़ करती हूँ। अभी जा रहे हैं, और आयुष्मान को नींद आ रही थी बहुत तगड़ी, इसके लिए वो भाग नहीं पा रहा है आज भी, तो उसको नीचे भागने का बहुत जल्दी रहता है। नीचे पहुंच गए हम लोग, और मेरा बच्चा, मेरा हीरो। भगवान जी कुछ तो कृपा कर दो मेरे बच्चों पर। तो गणपति बप्पा और माता रानी के दर्शन कर लीजिए सभी लोग, मैं भी कर रही हूँ। तो चलते हैं, बारिश तो नहीं हो रही है, इधर ही है नज़दीक में, तो पैदल ही जाऊँगी। अरे बाप रे बारिश हो रही है आयुष्मान, अभी को फोन करके बुलाते हैं कि छतरी के पास। बोलना कि वापस से ऊपर जाना पड़ेगा। मैं नहीं, नहीं वापस से नहीं जाना पड़ेगा, तो अभी दीदी को फोन करते हैं। और ये गिफ्ट लिया है हमने योगिता को देने के लिए, हीरोइन अवार्ड।
भी लगा रहे हैं पीछे पीछे। हाय गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं, गेस्ट लोग आ गए, होस्ट आए हैं। अभी तो लवली यहाँ पे डायरेक्ट कॉलेज से आई है ना, इसके लिए उसका थोड़ा सा मेकअप उतर गया था, तो उसने मुझे बोला मम्मी मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ। मैंने बोला ठीक है चल कैमरे में देख के लगा ले। और अभी यहाँ पर योगिता भी आ गई है, जयेश भी आ गए हैं। कितनी प्यारी लग रही है ना योगिता, एकदम खूबसूरत सी डॉल जैसी लग रही है। इसका नाम भी डॉली है, घर पर सब लोग इसको प्यार से डॉली बुलाते हैं। डॉल जैसी लग भी रही है। मैं यहाँ पर आराम से बैठी हुई, लवली वीडियो बना रही है। लवली को वीडियोग्राफी का बहुत शौक है ना दीदी। योगिता दीदी इधर देखो, अरे हालत तो जनरल लेंस में दिख रहा है। एक्सक्यूज मी, फैन लगा। और अभी यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है होने वाले मम्मी पापा का। सांस को रोक लेते हैं, सांस को रोक लिया है। और ये जयेश की मम्मी है, इन्होंने अभी गोद भराई की रस्म स्टार्ट की है, तो यहाँ पर वही हो रहा है। अभी सब लोग एक एक करके सारी औरतें करेंगी ये सब। तो बेबी शावर हो रहा है और हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आयुष्मान पीछे जाके सोया हुआ है, इसको नींद आ रही है। और ये इनके यहाँ का एक रस्म है, इसमें दो केक रखा हुआ है, इसमें एक में पेड़ा है, एक में बर्फ़ी है। तो होने वाली मम्मी की आंखों पे पट्टी बांधेंगे या फिर आंखों को बंद करेंगे, और होने वाली मम्मी इसमें से एक को फोड़ेगी। अगर बर्फ़ी निकला तो लड़की होगी, अगर पेड़ा निकला तो लड़का होगा। तो योगिता ने फोड़ा है, पेड़ा निकला है तो मतलब लड़का होगा। ये पुराने ज़माने का साइंस है, इसी से पता लगाते थे लोग कि कौन आने वाला है घर में, बॉय या गर्ल। सुंदर स्वस्थ निरोगी कैसा भी रहेगा, हम लोग अच्छा कर लेंगे। जल्दी करो, जल्दी से बच्चा दो थोड़ा, वो भी जल्दी बीतने चाहिए। अच्छा चालू है वीडियो, अब बन रहा है। अजय, अरे जयेश, जयेश अभी बन रहा है। और अभी सारी रस्म हो चुकी है तो हम लोग यहाँ पे खाना खाने आ गए हैं। यहाँ पर लवली और आयुष्मान का फिर से कुछ हो रहा है मच, तो अभी खाना वाना खा के हम लोग यहाँ से निकलेंगे जल्दी से जल्दी, नहीं तो यहीं पे लड़ाई हो जाएगी बहुत बड़ी वाली। हम लोग आ गए हैं वहाँ से और जा रहे घर पे, घर ले लिया हमने। चलो अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, चलो आ जाओ। अभी जा रही घर पे, घर पे पहुँच के मिलती हूँ आप लोगों से। थकावट लग गई। यहाँ पे अजय का डांस चल रहा है, चलो चलो वॉक करने जा रहे हो तो चलो बाद में कर लेना डांस। घर पे आई हूँ, हमेशा मुझे कॉपीराइट आ जाता है क्योंकि अजय हमेशा गाना ये सब सुनते रहते हैं और डांस करते रहते हैं। तो अभी बोल रहे मुझे कि चल वॉक करने जाएंगे, सारे इनके फेवरेट हैं।
चलो वॉक करके आते हैं, गाना डांस करो। तो गाइस इनका डांस तो मैं रोज देखते रहते हो, आप लोग कभी कभी देखते हो, आप लोग कभी देखते रहोगे हमेशा। तो चलो पहले वॉक करके आते हैं, उसके बाद में नाचो। इसका तो बहुत बड़ा कॉपीराइट आएगा ये गाने का। चलो हम लोग नीचे आ गए हैं, अजय गाड़ी लेके आ रहे हैं। गाड़ी से हम लोग वॉक पे जा रहे हैं, ऐसा वॉक पहली बार देखा होगा आप लोगों ने। तो अभी हम लोग वॉक करके आ चुके हैं, गाड़ी से गए थे वॉक करने के लिए, इसलिए बाल का हाल ये हो गया है। तो फिर जाके चेंज वेंज कर लेती हूँ, फिर सुनाती हूँ। कल तो आयुष्मान का स्कूल है लेकिन लवली का कॉलेज है, तो चलिए बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तब मैंने चेंज कर लिया है और लवली और आयुष्मान सो चुके हैं, मैं भी जाती हूँ, कुछ काम है वो कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।